हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस की ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डी एफ सी सी एल एग्जामिनेशन 2020-23 के सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में। जानेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में सिलेबस को, साथ ही साथ ये वीडियो जो है डेमो लेक्चर है, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट, कॉल और मैसेजेज आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में बोर्ड पर भी लिखिए और हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। तो चलिए, इन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के मैसेज को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं हम लोग हिंदी मीडियम में इस क्लासेस को। ये डेमो लेक्चर है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट वालों के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस से। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये डी एफ सी सी एल एग्जामिनेशंस का ऑफिशियल सिलेबस है। और यहाँ पर जो है सिलेबस जो है इसका दो पार्ट में है। पहला पार्ट में आपका जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग रहेगा। इसके बाद जो पार्ट बी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड मेजरमेंट, ये सभी चीजें जो टॉपिक है, ये डिप्लोमा में आपने तो नहीं, डिप्लोमा का ये सब सिलेबस है, आपने तो आईटीआई किया होगा। इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट्स, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशंस, पावर सप्लाई एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इन्वर्टर बेसिक, यहाँ तक जो सिलेबस है ये डिप्लोमा का सिलेबस है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी से तो सॉल्व इजिली नहीं होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर जरूरत होता है पढ़ाई करने का, टॉपिक्स का अच्छे से नॉलेज होने का। इसके बाद ये सब टॉपिक आप आईटीआई में पढ़े होंगे, बेसिक ऑफ मार्किंग, हैक सॉइंग, चिजेलिंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग एंड ग्राइंडिंग, ये टॉपिक आईटीआई में आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद फिर डिप्लोमा का सिलेबस शुरू होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि क्या सर नॉन टेक्निकल भी आप पढ़ाएंगे, तो बच्चों मैं बता देता हूं कि पहले जो है मैं टेक्निकल सेक्शन को कवर करूंगा, और टेक्निकल सेक्शंस को कवर हो जाने के बाद तब नॉन टेक्निकल सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी नॉन टेक्निकल सेक्शंस पे हम लोग ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का प्रिपरेशन है नॉन टेक्निकल सेक्शंस का, इस वजह से ज्यादा फोकस रहेगा कि टेक्निकल कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो रहेगा बेसिकली कि पहले मैं वीडियो लेक्चर्स दूंगा, जिसमें कि हम लोग कोई भी एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे, किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ ही साथ कभी कभी मैं टेस्ट भी ले लिया करूंगा। तो ये सभी चीजें आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसी विचार के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। एक टॉपिक लेते हैं बहुत आसान सा, जो कि हम लोगों का डिप्लोमा का टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो हिंदी मीडियम में चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां पर टॉपिक मैंने ले लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरेशन, यानी कि इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे जिसको हिंदी क्लियरली समझ में नहीं आएगा, तो दोनों के लिए मैंने यहां पर लिख लिया है। तो क्या है विद्युत उत्पादन की मूल अवधारणा के बारे में हम लोग, ये टॉपिक का नाम है, यहां से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक का। तो यहां पर जो होता है जनरेशन के बारे में समझेंगे कि कैसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, कैसे विद्युत ऊर्जा निर्माण होता है, बनता है, उसके बारे में समझेंगे। तो यहां पर जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, लिखा हुआ है प्रकृति में विभिन्न रूपों में उपलब्ध ऊर्जा जो है हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में विभिन्न रूप में पाया गया है, और उसी ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अब ये ऊर्जा अलग अलग फॉर्म में होता है, ऊर्जा को बेसिकली हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं हम लोग ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा से रिलेटेड चीजों को समझते हैं। ऊर्जा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं ई से, यानी कि एनर्जी इसका अंग्रेजी होता है, इसीलिए इसको एनर्जी से ई से डिनोट करते हैं। फटाफट से नोट करते चलिएगा अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। इसके बाद यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम।
तो क्या होता है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम? ये नियम कहता है ऊर्जा का ना तो नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को, और ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई ऊर्जा है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा है, क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद कार्य करने की क्षमता जो होता है, किसी भी ऊर्जा है क्या, किसी भी कामों को करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, यानी कि अगर इसका परिभाषा लिखना है तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप लोग ऐसे करके नोट्स बना सकते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है ऊर्जा का, वो क्या होता है? एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो याद रखिएगा, एसआई मात्रक ऊर्जा का होता है जूल। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसको, इसी का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक है ना, यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये चीजों को समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा जो है के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। इन सभी चीजों को हम लोग समझते हैं बच्चों बहुत ही आराम से। ठीक है, तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि विद्युत ऊर्जा, इसके बाद विद्युत ऊर्जा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बिजली, विद्युत ऊर्जा हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर में यांत्रिक ऊर्जा हो गया, राइट और इसके बाद तीसरा नंबर में अगर बात करें तो क्या आता है? ऊष्मा ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा। चौथा नंबर में बात करें तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, राइट। पांचवा नंबर में अगर मैं बात करूं तो प्रकाश ऊर्जा। ये सभी क्या है? ये सभी ऊर्जा के प्रकार हैं, और ये सभी ऊर्जा के प्रकार जो हैं इनके परिवर्तन को ही क्या कह सकते हैं? ये सभी जो ऊर्जा हैं इसके प्रकार को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि ये जितने भी ऊर्जा हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा, रासायनिक, प्रकाश, ये सभी को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, और यही है मतलब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं, कहां से विद्युत ऊर्जा ये बेसिकली उत्पन्न होता है, कैसे उत्पादन होगा। तो विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है बच्चों, ये बेसिकली दो तरह का है। क्लास 9th 10th में ज्योग्राफी में पढ़े होंगे या फिर नॉन टेक्निकल सेक्शन का जब प्रिपरेशन करते होंगे, तो दो तरह का ऊर्जा का स्रोत जो है दो तरह का है। एक है नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा, और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, और नवीकरणीय ऊर्जा, राइट। ये होते हैं दो ऊर्जा के स्रोत, और इसमें अलग अलग करके इसी को हम लोग अगर यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बोल देते हैं अपारंपरिक स्रोत। क्या बोल देते हैं? अपारंपरिक स्रोत। इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं हम लोग नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेस, और पारंपरिक स्रोत इसको बोलते हैं, इसको यहां तक समझ में आ गया। पारंपरिक स्रोत बोलते हैं किसको? और नवीकरणीय को। पारंपरिक स्रोत, पारंपरिक स्रोत,
यानी कि ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक स्रोत जो परंपरागत ऑलरेडी शुरू से ही नेचर में है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के हम लोगों के ऊर्जा के स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत के ऊर्जा में हम लोगों का तीन अवस्था में दिखता है हम लोगों को ऊर्जा का स्रोत, कौन कौन से अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में और गैस के अवस्था में देखने को मिलता है। ठोस में कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत आते हैं, तो जैसे कोयला, कोयला जो है ये क्या है, एक तरह से ठोस अवस्था में पाया जाने वाला पारंपरिक स्रोत है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। और अगर यहीं पर मैं बात करूं लकड़ी, दूसरा नंबर पे आप लिख सकते हैं लकड़ी। द्रव्य में अगर मैं बात करूं तो द्रव्य में पेट्रोल डीजल किरोसिन आ जाएगा, क्या जाएगा, पेट्रोल डीजल और किरोसिन, पेट्रोल डीजल और किरोसिन। और गैस में अगर मैं बात करूं तो गैस में कौन कौन सा है, एलपीजी आ जाएगा और सीएनजी आ जाएगा। तो ये सभी विद्युत ऊर्जा के क्या क्या हैं, स्रोत हैं। समझ में आ गया यहां तक चीजें। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अपारंपरिक स्रोत को भी अच्छे से डिटेल में। तो आइए पेड कोर्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एसकी ट्यूटोरियल ऐप का लिंक दिया गया है। ये जस्ट डेमो वीडियो था, इस वजह से बहुत डिटेल में, बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने नहीं लिखा है बोर्ड पे। तो जब आप लोग बैचेज में आएंगे तो वहां पे सिस्टमेटिक वे में आपको फॉर्मेट में बोर्ड पे लिखा हुआ भी दिखेगा, और प्लस हम लोग सिस्टमेटिक वे में चैप्टर को अलग अलग तरीकों से अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि एग्जामिनेशन के लास्ट तक में आपको रिवीजन करने का अच्छा से मौका मिल सके, प्लस अच्छे से आप रिवीजन कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेमो क्लास बेसिकली समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज हिंदी मीडियम में भी हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये जस्ट डेमो था, इस वजह से डिटेल में हम लोग टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐप पर आइए, आप लोग एसकी ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं बैच में। और बैच का फी अभी बहुत मिनिमम है। अगर आप लोग 1 सितंबर से लेकर के 10th सितंबर तक मतलब ज्वाइन करते हैं बैच में, तो आपको स्पेशल 90% का बैच में डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इतना इसमें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें बैच में इनरोलमेंट लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं CBT2 एग्जामिनेशंस का एसके ट्यूटोरियल के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी विचार के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।